आपने कई बार सुना होगा कि जब लोग नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो वो ओटीटी शब्द का प्रयोग करते हैं। ओटीटी का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप, लेकिन कभी आपने सोचकर देखा है कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, ओवर द टॉप किस सेंस में? ये समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास समझना पड़ेगा टेलीविजन नेटवर्क्स का। 15 अगस्त साल 1982 ये वो दिन था जब हमारे देश की टेलीविजन इंडस्ट्री में एक नई रेवोल्यूशन आई, क्योंकि ये वो दिन था जब पहली बार दूरदर्शन चैनल को कलर में ब्रॉडकास्ट किया जाने लगा। वैसे तो टेलीविजन का इंट्रोडक्शन इंडिया में लेट 1950s में ही हो गया था, लेकिन इस पॉइंट को टर्निंग पॉइंट कंसिडर किया जाता है इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री का, जो कि दूरदर्शन को ब्रॉडकास्ट किया जाने लगा कलर में सैटेलाइट का इस्तेमाल करके, INSAT 1A। इसे कुछ दशक फास्ट फॉरवर्ड करो तो अगला टर्निंग पॉइंट आया साल 2000 में, जब इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि देश में DTH सैटेलाइट टेलीविजन हो सकता है, डायरेक्ट टू होम सैटेलाइट टेलीविजन। इसी की मदद से ही साल 2003 में डिश टीवी पहली DTH फैसिलिटी थी। इससे पहले केबल टीवी के जरिए लोग टीवी देखते थे, केबल्स बिछाई जाती थी जो केबल्स आपके घर तक आती थी, जिससे आपका टेलीविजन चलता था। लेकिन सैटेलाइट टीवी का मतलब था कि आप अपने घर में ही एंटीना लगा सकते थे जिससे सैटेलाइट सिग्नल्स आप रिसीव कर सके। आपको याद होगा डिश लगाई जाती थी आपकी बैल्कनी पर या फिर घर की छत पर, और उस सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए घर पर टीवी के पास में एक सेट टॉप बॉक्स लगाना पड़ता था। वैसे आज के दिन भी कई लोग घर में इसी का ही इस्तेमाल करते हैं। इससे हुआ क्या कि लोगों के पास सडनली और चॉइस आ गई टीवी पर चैनल्स देखने की, ढेर सारे और वैरायटी के चैनल्स ऑफर किए जाने लगे। और कुछ साल अगर और फास्ट फॉरवर्ड करें तो इंट्रोडक्शन होती है दोस्तों वेब 2.0 की। सोशल मीडिया वेबसाइट्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली और साथ ही साथ OTT प्लेटफॉर्म्स भी उभर कर आने लगे। साल 2009 वो साल था जब नेटफ्लिक्स ने पार्टनरशिप करनी शुरू करी स्मार्ट टीवी और गेमिंग कॉन्सोल्स के साथ। अब इस समय पर नेटफ्लिक्स कोई नई कंपनी नहीं थी, नेटफ्लिक्स एक्चुअली में बहुत पुरानी कंपनी थी, इनफैक्ट गूगल से भी पुरानी।